अस्सलाम वालेकुम। अभी थोड़ी देर पहले तो एक छोटा सा आइडिया है कि क्यों ना आपको सॉफ्टवेयर ऑफिस के बारे में कुछ बताया जाए, और स्पेशली इस ऑफिस के अंदर जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो भी स्टडीज़ वगैरह कर रहे हैं, जो बाद में इस फील्ड में आना चाहते हैं, उनको इस बारे में बताया जाए कि सॉफ्टवेयर ऑफिस में असल में होता क्या है, यहाँ के जॉब्स के बारे में, यहाँ के इन्वायरमेंट के बारे में। तो कुछ बताते हैं आपको, अभी आपको अपना ऑफिस विजिट करवाते हैं, तो चलते हैं अभी कुछ एम्प्लॉय से बात करते हैं, देखते हैं वो कैसे उन्होंने ये जॉब्स हासिल की और कैसे उनकी स्टडीज वगैरह जो भी है उनका एक्सपीरियंस वो आपके साथ शेयर करते हैं। तो अभी हम अपने सॉफ्टवेयर लाइंस के एक एम्प्लॉय से मिलाते हैं, उमर भाई से, सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। तो उमर भाई अपने बारे में कुछ बताएंगे सबसे पहले हमारे व्यूअर्स को। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मेरा नाम उमर शाहिद है और मैं सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। उसके अलावा क्या जाना स्टडी सर आपने कहाँ से की और कैसे आपने जॉब फर्स्ट जॉब के बारे में बताएं और फिर सॉफ्टवेयर लाइंस में आपका कैसे आना हुआ चलने के बारे में बताएं। मेरी ग्रेजुएशन 2019 की है फ्रॉम यूएसए, और मेरी पहली जॉब जो थी वो सिस्टम लिमिटेड में थी, एंड इट्स बीन अराउंड 7 इयर्स के मार्केट में जॉब करते हुए हो गया, और 2 साल से मैं सॉफ्टवेयर लाइंस के साथ अटैच्ड हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है। मैनेजमेंट बहुत अच्छी है और टीम बहुत अच्छी है, कुलीग्स बहुत अच्छी है, और सबसे बड़ी बात यहाँ पॉलिटिक्स बिल्कुल भी नहीं है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे मतलब सबसे बेस्ट जो सॉफ्टवेयर लाइंस में जो बात लगती है वो ये, यहाँ पे एनवायरनमेंट बहुत ही अच्छा है और जीरो पॉलिटिक्स है, मतलब आपको यहाँ काम करने का बहुत मजा आएगा, मतलब लर्निंग होती है, लर्निंग बहुत ज्यादा, लर्निंग तो है वो जमीन। तो अभी करेंटली आप किस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं उसके बारे में कुछ हमारे स्टूडेंट्स को बताएं। करेंटली मेरे पास जो है ना 4 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। ओके। अभी रिसेंट जो मेरा मेन प्रोजेक्ट है वो मल स्टैक के ऊपर है, वो बेसिकली एक यूनिटी की गेम है, उसका सारा बैकएंड जो है ना वो मैं नोड में डिजाइन कर रहा हूँ, और उसका सारी गेम जो है वो डेवलप एडमिन पैनल पे होगी, एंड देन एपीएस के थ्रू जाके वो यूनिटी के अंदर प्ले होगी। सो ऑल द लॉजिक इज रिटन इन द बैकएंड, सो सिर्फ गेम में जाके वो प्ले होगी, उसकी जो एनिमेशन वगैरह होती है वो एड होंगी। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो अभी इस वक्त यूनिवर्सिटी में अपनी स्टडीज वगैरह कंटिन्यू कर रहे हैं, उनके उनको कुछ ऐसी आप क्या टिप देंगे कि अगर वो सॉफ्टवेयर ऑफिस में जॉब करना चाहते हैं तो आप अपने इनके काम से रिलेटेड और अपने कुछ उनको टिप देना चाहें तो वो आप शेयर कीजिएगा। सबसे पहले तो इनको मेरा ख्याल है अपनी बेसिक्स पे स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए, लाइक ऊप है, डेटा सक्सेस है और डेटाबेस है, ये 3 सब्जेक्ट्स में ना ये बड़े कोर है, इन पे बड़ी जरूरत है फोकस करने की। आई नो कि इन पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज हमें इस लेवल का काम नहीं करवाया जाता, ना इस लेवल पे पढ़ाया जाता कि फर्दर मतलब कि बंदा इतना एक्सपेंड कर सके। सो मेरे जितने भी जूनियर्स हैं, इंटर्न्स हैं और जो भी मेरे स्टूडेंट्स भी हैं, तो उनको मैं यही सजेस्ट करता हूँ कि यूट्यूब पे एक फ्री कोर्स है CS50 के नाम से, बाय डेविड मलान, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का कोर्स है। सो आपको उस लेवल का एक एक्सपीरियंस मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। सो मेरा ख्याल है कि जो फर्स्ट सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर में है उनके लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है वो, तो वो करना चाहिए। यूनिवर्सिटी के आपके फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के बारे में बताएं जो आपने सबमिट करवाया था। जो मेरा यूनिवर्सिटी का फाइनल ईयर प्रोजेक्ट था बेसिकली वो वुमन एम्पावरमेंट के ऊपर था। ओके। कि हम लोग इस चीज को प्रमोट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो एक मैंने फेमिनी के नाम से वुमन जॉब पोर्टल बनाया था। ओके। दैट इज लाइक AI बेस्ड था वो, तो AI के थ्रू जो वुमन से रिलेटेड जॉब जितनी भी लिंक्डइन या डिफरेंट प्लेटफॉर्म से पोस्ट होती है, तो वहाँ से APIs के थ्रू डाटा मैनेज करके उनको फर्दर फिल्टर आउट करके उन पोर्टल्स पे लेके आते हैं, लाइक वी हैव द रिक्वायरमेंट्स कि आपका इधर इतना एक्सपीरियंस है, ये आपकी फील्ड है, ये डिपार्टमेंट है, ये आपकी चीज़ें हैं, मतलब लाइक जो एक डाटा होता है तो उसकी बेस पे हम सजेशंस लेके आते हैं जॉब्स की थ्रू। ये AI के बारे में कुछ बताएं, क्या ये ह्यूमंस को रिप्लेस कर सकती है, इतनी एडवांस हो सकती है ये टेक्नोलॉजी? नहीं, ह्यूमंस को रिप्लेस नहीं कर सकती, लेकिन जो इसको यूज करना नहीं सीखेगा उसको रिप्लेस कर सकेगा। ओके। जो इसको यूज करना सीख जाएगा उसको कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकता। एंड कुछ स्पेशल एडवाइस आज हमारे स्टूडेंट्स के लिए? स्पेशल एडवाइस ये यार, मेहनत करो, फल मिलेगा इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच। आपकी मुलाकात करवाते हैं हमारे ऑफिस के एक और एम्प्लॉई हैं, तो सर टेल मी अबाउट योरसेल्फ। हाय, माय नेम इज मोहम्मद सादुनी एंड सॉफ्टवेयर लाइन
place. I am working from almost more than 2 years. I am working as a project manager and scrum master. Also, I am lead of QA team. Okay. Sir, कुछ बताएंगे project management के बारे में हमारे viewers को कि जो आने वाले students हैं उनको पता होगा इस चीज में क्या चीज किस किस technology का use करते हैं ये क्या काम होता है इसके अंदर. Actually, if I say project management is very key role and important role in the success of any project. Okay. In project management, basically, project manager is playing a role of a bridge between the client, the stakeholder, and with the development team. And that bridge jitna strong hoga, aapki communication jitni strong hogi, aur aap jitna cheezon ko acche tarike se handle karenge, utna hi aap project ko on time complete karenge, uski successful deliveries hogi, and client will definitely meet his requirements as well. Sir, kuch bataein ki abhi currently aap kis project ke upar jo hamare office mein aapke currently project chal raha hai, uske bare mein kuch hamare viewers ko bataein. If I talk about current projects, basically there are multiple projects on which I am working, but mainly in these days I am working on a project with Islamic Chat GPT. Okay, Islamic Chat GPT. Yeah, just same like Chat GPT original. Yeah. And if talk about other projects, I am mainly working on QA's department. So multiple projects are in the QA as well, like a Shipwago, like you can say employment care, online supplies, and or mobile application as well, which include the Pacific, My360. So these are type of projects on which I work. Sir, हमारे students को जो अभी तक universities वगैरह में studies वगैरह कर रहे हैं, आप उनको क्या advice करेंगे कि वो किस चीज के ऊपर ज़्यादा focus करके इस job को software officer में job को हासिल कर सकते हैं? इसके बाद इसमें ये होता है कि जो मेरा पर्सनल गोल भी था या मैं एडवाइस भी करता हूँ, ये होता है कि एट दी सेमेस्टर ऑफ सेवन्थ और एट जब आप FIP कर रहे होते हैं, एटलीस्ट आपको पता चल जाता है कि आपकी स्ट्रॉन्ग स्किल्स क्या है. आप किस चीज में डेवलपमेंट में जाना चाहते हैं, QA में जाना चाहते हैं, आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं, या आप जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं, UI में जाना चाहते हैं, डिजाइनिंग में जाना चाहते हैं, तो आपको फोकस उसमें करना चाहिए जो आपको लगता हो कि मैं इसमें स्ट्रॉन्ग हूँ या कर सकता हूँ. उन एबिलिटीज को पॉलिश करें. ओके. और फिर उन एबिलिटीज को लेके मार्केट में, देन यू विल डेफिनेटली परफॉर्म. एंड इन द ऑलमोस्ट इन द फर्स्ट 2 years, फॉरगेट अबाउट द फाइनेंस. Just prove yourself, make your roadmap as possible, as strong you can. Thank you so much, sir. Thank you so much for your time. Thank you. तो आइए नाजरीन, अभी आप से ऑफिस के अंदर कुछ और लोगों से मुलाकात करवाते हैं, क्योंकि अभी जो है मगरिब का टाइम हो गया है और हम इस ऑफिस में इमामत के भी फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं, तो मैंने जमात करवानी है. तो अभी हम आपसे मुलाकात करवाते हैं हमारे भाई सरमज के साथ, जो यहाँ पर जूनियर UI/UX डिज़ाइनर हैं. हम आपको और लोगों से इंटरव्यू करवाते हैं. सलाम अलैकुम. गुड नेम अब्दुल वहाब. वहाब भाई क्या करते हैं आप इधर? हाँ, मैं यूनिट डेवलपर हूँ. तो कितने अर्सा हो गया आपको यूनिट पे काम करते हुए? थ्री ईयर्स हो गए माशाल्लाह. अच्छा बाबी, थोड़ा सा हमें ज़रा इंट्रोड्यूस करें यूनिटी के बारे में, ताकि हमारे जो न्यू स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनको. यूनिटी एक प्लेटफॉर्म है फॉर गेमिंग, जिसमें गेम्स वगैरह डेवलप करते हैं. वो मोबाइल प्लेटफॉर्म के भी होती है, PC के लिए भी होते हैं, और डीजल कंसोल्स के लिए भी होते हैं. इसके अलावा अनरियल है, लेकिन अभी हम उसमें काम नहीं कर रहे. करंटली हम यूनिटी में काम कर रहे हैं. सही. तो यूनिटी में क्या, किस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं आप अभी? अभी करंटली मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं. अभी क्लाइंट्स के भी हैं, इन हाउस प्रोडक्ट भी है, उसमें भी काम कर रहे हैं. तो इस वक्त आप हमें दिखा सकते हैं आप किस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, ताकि हम अपने जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको मोटिवेट कर सकें? करंटली तो ट्रांसपोर्ट गेम्स में कर रहे हैं. सही. और वो अभी प्रोडक्ट में और क्लाइंट का तो चलता ही है. सही सही. तो हमारे न्यू आने वाले स्टूडेंट्स को क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? यही कहूँगा कि यूनिटी ऐसा प्लेटफॉर्म है जो यूँ समझो कि आप इतने ज़्यादा वो नहीं होंगे, क्या कहते हैं इसको, बोर नहीं होंगे. क्योंकि गेमिंग है, अगर गेमिंग में आपका इंटरेस्ट है तो आप पूरा दिन गेमिंग का कोडिंग करते रहेंगे और आपको बोर नहीं होगा. जैसे कि आपने सुना, वहाब भाई ने बताया कि जो नए स्टूडेंट्स हैं
अपनी ड्यूरिंग स्टडीज के साथ साथ अगर वो इंटर्नशिप करना चाहें तो उनके लिए बहुत ज़्यादा सीखने के मौके हैं, ताकि जैसे उनकी स्टडीज़ ख़त्म हो उनके पास एक्सपीरियंस हो 6 मंथ का, साल का, तो आगे उनकी आसानी आएंगी। बहुत शुक्रिया आपका।